हालांकि इंडिया में आ रही अभी ज्यादातर कारों में आपको बेहतरीन माइलेज का ऑप्शन प्रोवाइड करवाया जाता है कंपनी डीलरों के द्वारा, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी कार की माइलेज और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, और ध्यान से लाइक शेयर और कॉमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो है टायर एयर प्रेशर। मैंने पहले एक बाइक का और कार सेफ्टी का वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था, जिसकी लिंक मैंने दे दी गई है आपको, बाइक या कार डजंट मैटर, वहां पे टायर एयर प्रेशर जो कि हवा होती है टायर में वो ठीक से चेक करवा के रखनी है। वहां पे प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना कि मेंशन किया गया है। आप अपनी कार का डोर ओपन कीजिएगा, वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फ्रंट साइड ड्राइवर डोर के पास कि कौन से टायर में कितने, अगर पैसेंजर हो तो कितना एयर प्रेशर होना चाहिए। ये हमेशा आपको मेंटेन करना है, क्योंकि वहां पे अगर आप कम एयर प्रेशर रखेंगे तो क्या होगा कि वो गाड़ी अपनी आपकी दबने लगेगी और वहां पे आपको कम माइलेज मिलेगा। हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो है यहाँ पे एसी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बेवजह एसी चलाते हैं। ये पॉइंट जो है उन लोगों के लिए है जिनको एवरेज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, उन लोगों के लिए नहीं जिनका एवरेज सेकेंड पॉइंट माना जाता है। एसी आपको ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, फिर भी वहां पे लोग एसी चला के रखते हैं कार में, ऐसा मत कीजिए। आपको जब जरूरत नहीं है तब वहां पे एसी बंद कर दीजिए, जिससे कि गाड़ी दबेगी कम और वहां पे पेट्रोल या डीजल कंज्यूम भी कम होगा, जिससे कि आपकी कार की माइलेज 2 या 3 किलोमीटर 101% इंक्रीज हो जाती है। और साथ ही में जो हमारा थर्ड पॉइंट वो है फास्ट ड्राइविंग। ये इंडिया में हमेशा से प्रॉब्लम रही ही है, और खास करके जहां पे मैं रहता हूँ ना, सूरत गुजरात, हमारे यहाँ पे ड्राइवर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जब भी हम यहाँ पे हाईवे पे निकलते हैं तो ज्यादातर कार जो भागती हुई दिखती है, जो कि सन्नाटे से चली जाती है, वो जीजे 5 नंबर प्लेट वाली ही होती है। ज्यादातर लोग ऐसी ड्राइविंग करते हैं जिनकी कार को अगर आप 120 पर भी जा रहे हो तो भी कोई आपको ओवरटेक करके चला जाता है, और वो भी वेगनार या सेंट्रो वाला। अब आप सोच लीजिए कि ये सारी माइलेज और सिटी कार से इसे हाईवे पर इतने तेज भगाने के लिए बनाई नहीं गया हुआ है, फिर भी लोग इतनी ज्यादा तेज चलाते हैं कि आप बात ही मत पूछो। अगर वैगनार 130 140 पर जाएगी तो आपका क्या हाल होगा, अगर आपको सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी तो कुछ नहीं बचने वाला भाई। वैगनार है, सेंट्रो, ऐसी कार को इतनी फास्ट चलाने के लिए बनाए। इवन मैं तो कहता हूं कि इंडिया का कोई भी हाईवे ऐसा नहीं है जहां पे आप 120 से ऊपर अपनी कार चलाए। एक्सपेक्ट यमुना एक्सप्रेस वे, वहां पे आप चला सकते हैं, फिर भी आपको इतनी ज्यादा तेज कोई भी कार किसी भी हाईवे पर नहीं चलानी चाहिए। और आप अगर कोई स्पीड मेंटेन करते हैं जबकि आप अपनी कार 80 से 100 के बीच में चला रहे हैं तो कंटिन्यूअसली वो मेंटेन कीजिए। वहां पे आपकी माइलेज में 4 या 5 किलोमीटर की बढ़ोतरी 101% आपको मिलने वाली है। अब अगर आप बहुत ही ज्यादा माइलेज प्रेफरेंस करते हैं तो आपको साथ में ये पॉइंट भी याद रखना है कि आपको लो ट्रैफिक वाले एरिया में ज्यादा ड्राइविंग करनी है, जहां कि आपको ट्रैफिक कम मिले ऐसे एरिया में ड्राइविंग करने से क्या होगा कि बार बार आपको गियर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, क्लच या ब्रेकिंग का यूज नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि पेट्रोल या डीजल कम कंज्यूम होगा और आपकी कार आपको अच्छी माइलेज निकाल के देगी। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है वहां पे सडन एक्सीलरेशन और सडन ब्रेकिंग। कहीं लोगों के इंडिया में बहुत ही बड़ी दिक्कत ये हमेशा से, इंडिया का आउट ऑफ इंडिया ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम रही है सडन ब्रेकिंग। दूसरी कार या कोई व्हीकल आगे जा रहा है तो वहां पे ब्रेक हो तब मारते हैं जब उस व्हीकल से 1 या 2 इंच का डिस्टेंस पे कार खड़ी होते, एकदम चिपका के वहां पे ब्रेकिंग करते, एक ही साथ एक्सीलरेशन दे देते। अगर ऐसे में कोई पीछे से फास्ट आ रहा होगा तो वो तो घुसेगा ही घुसेगा और आपकी कार पे भी जो इफेक्ट होगा अलग। आपको क्या करना है, सडन ब्रेकिंग को टालना है। अगर आपको पता है कि आगे बम्पर है, आगे ट्रैफिक आती है रेगुलरली, तो वहां पे आपको अपनी कार को पहले से ही स्लो कर देना है, जिससे कि सडन ब्रेकिंग करेंगे तो आप पेट्रोल का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट एक साथ आपके इंजन में चला जाएगा और बहुत ही ज्यादा आपके माइलेज पे इफेक्ट होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, सडन ब्रेकिंग को अवॉइड करना है और एक साथ एक्सीलरेशन भी नहीं करना। आप ऐसे सोचेंगे मैं, आप कोई ड्रैग रेस में कार नहीं चला रहे, आपको अपनी कार का जो सडन ब्रेकिंग और सडन एक्सीलरेशन, ये दो चीज अवॉइड कर दीजिए, आपकी कार के माइलेज में 101% 5-6 किलोमीटर यानी कि थोड़ी ज्यादा तो बढ़ोतरी आपको मिल ही जाएगी। तो बस दोस्तों, यहीं थे कुछ हमारे आज के पॉइंट। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।